हर जनता जो वोट दे रही है, वोट देने से वो एमएलए से यही उम्मीद करती है कि अगर कल को हमारे प्रॉब्लम होता है, अगर हम एमएलए के पास जाते हैं तो हमारा काम होना चाहिए, काम नहीं हुआ तो कम से कम सर्विस करना चाहिए उसने कि आपको ऐसा नहीं, ये प्रॉब्लम है, ऐसा करना है। तो यहाँ तो मुलाकात ही नहीं होती लोगों से, आदमी इसीलिए चिड़ा रहता है एमएलए से, ये वोट मांगने तो आते हैं दरवाजे पर, और जब हम इनसे मिलने जाते हैं तो ये मिलने भी नहीं देते, इनका पीए है ये है वहीं से टपका देते। से भी मेरा बोलना है कि नहीं यार, अभी चेंज कर, थोड़ा सा सब करके काम कर, मजा आएगा काम करने में, सब लोग भी खुश रहेगा। अब चल रहे हैं, वही कट रहे हैं, वही काट रहे हैं, लोग को मालूम है क्या करना है, आई कुछ भी हो जाए वोट तो देना है, वो जब मार कहीं कहीं जाके किसी को वोट देके आते, चल भैया ये नहीं बकवास चीजें, ये सब साला 3000 दी के क्या पेट भरता है उसमें, 3000 में तो एक इसमें जाके एक हफ्ते का राशन नहीं होता, एक हफ्ते में जाके सब्जी खरीदने जाओ 1000 रुपये तो ऐसे लगता हो, कौन तो बड़ी चीजें देने से 3000 में आके खुश हो जाओ मेरे को वोट दो, वोट देने से नहीं होगा, वो पैसे देने से वोट चाहिए, वो माहौल नहीं है ना। अब वो आएगा वो बोले मैं 6000, अरे 6000 दे के करोगे क्या यार, भाई आज हम किसी को चुन के देते हैं, चुन के आने के बाद तो कोई किसी की खबर ही नहीं लेने आता है कि भाई हमारे उम्मीदवार कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। तारीख को विधानसभा इलेक्शन है, वोटिंग का फाइनल डेज है, और आप किसको वोट करने वाले हो? तो हम तो अभी तक बीजेपी कुछ करते आ रहे हैं, और बीजेपी जो काम कर रही है वो तो अच्छा ही कर रही है अभी फिलहाल में, अब देखते हैं 2 दिन में क्या चेंज होता है। तो कार्य यहाँ कुछ भी नहीं रहा, यहाँ कार्य करने का उनको अवसर ही नहीं मिला, तो कार्य विकास का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, उनको अवसर मिलता तो कार्य कर सकते थे, गरुड़ा कंपनी के वो अच्छे मालिक हैं, बिल्डर है, लेकिन यहाँ विकास से उनका कोई 1 रुपये का भी कोई ताल्लुका नहीं। आप 20 तारीख को वैसे ही देखा जाए कि अभी महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन चालू है, काफ़ी माहौल गर्म है, उस बीच आप 20 तारीख को किसको समर्थन करने वाले हो? कांग्रेस। कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस इसलिए कि ठाकरे साहब जो है वो अच्छा काम करते हैं, अब हम यहाँ पर ठेला लगा तो कोई परेशानी नहीं ना कुछ नहीं, उसकी वजह से हम ठाकरे साहब को ही मारते हैं, और आदमी भी अच्छे हैं। जिचकर साहब का तो उत्ता अभी, तो जिचकर साहब अभी मार्केट में आए हैं, लेकिन विकास ठाकरे ही है, उनका कार्य बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हर जगह अभी उनका कार्य है, तो उस हिसाब से विकास ठाकरे फेवरेट हमारे। मेरे नज़रों में आमदार वो ऐसा होना चाहिए जो सबकी सेवा में तत्पर आना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, नहीं तो फिर आमदार लोग ऐसे हैं कि भाई आमदार ये लोगों से चुन के आते हैं, और जब एक बार चुन के आ गए तो वो फिर अपना चेहरा भी दिखाते नहीं है, फिर लोग उनके पीछे घूमते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिसका साहब जो है वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इधर में विकास ठाकरे जो है वो भी है, लेकिन अगर जिसकर साहब अगर आते हैं तो मैं चाहूंगा कि नागपुर अच्छे नागपुर की तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट हो, जो नहीं दिख रहा है अभी कुछ। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन चालू है, काफी माहौल गर्म है, उस बीच आप 20 तारीख को किसको समर्थन करने वाले हो? कांग्रेस। कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस इसलिए कि ठाकरे साहब जो है वो अच्छा काम करते हैं, अब हम यहाँ पर ठेला लगाए तो कोई परेशानी नहीं ना कुछ नहीं, उसकी वजह से हम ठाकरे साहब को ही मारते हैं, और आदमी भी अच्छे हैं। यहाँ से समर्थन पश्चिम नागपुर जिचकार साहब है, क्या इनका कोई विकास पश्चिम नागपुर में भी कार्य नहीं है? अभी तक तो हमने देखे नहीं हूँ, ठाकरे साहब को देखे ठाकरे साहब को यहाँ पर देखे ठाकरे साहब को 20 तारीख को वोट जनता के लिए कुछ मैसेज, जनता को क्या मैसेज देंगे, जनता को समझदार है, जिसको मारेंगे उसको, अगर हम तो जो मारेंगे संजय को मारेंगे। जो कार्य किया है वो इतना अच्छा कार्य किया है, विपक्ष नेता भी चालू हुआ पिछली बार के, तो कार्य उनका बहुत अच्छा यहाँ पे रहा, इस विषय में चॉइस जो विकास कर रही है लेकिन कार्य बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हर जगह उनका कार्य है, तो उस हिसाब से विकास
फेवरेट हमारे। कोई लास्ट मैसेज जनता को 20 तारीख के लिए? 20 तारीख वो ही है, पब्लिक के लिए। आप किसको वोट करने वाले 20 तारीख को? पंजे को वोट। सर आप किसको वोट करने वाले? पंजे। किसको पंजे को वोट करने वाले सर? पंजे को ठाकरे और कार्यकर्ता बहुत अच्छा। ठाकरे जी बहुत कई बार हमारे बस्ती में भी आए हैं, हर जगह मतलब क्या बोले, वो हर चीज के लिए दौड़ता है। उनका कार्य है ही ना, मतलब उनका कार्य है ही नहीं, यहाँ पे मतलब वो किया हुआ है, कार्य किया हुआ है। आप जाके देखिए, आप जो फुटपाथ बनाए हमने, उन्होंने प्रोत्साहन दिया है पब्लिक को। रात में भी उन्हें किसी को गया हुआ है। नाम राजेश फुटांग है, मैं धन्यवाद नागपुर से ही हूँ। जहाँ तक मैं अपने सबसे इलेक्शन समझ में आई, समझ में जो आया है, सबसे ऐसा देखा जा रहा है कि कोई सेम थिंग, सब लोग तो अपने खास खास के हिसाब से चलते हैं, सबको अपने हिसाब से अपने पक्ष होता है उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मत ऐसा होता है कि इलेक्शन में जो हर चीज हर बार किसी का भी पार्टी का भी आदमी आता है, वही सेम चीज होता है, और कोई बदलाव तो कोई चीज में थोड़ा फार काम ये दिखा देते वो दिखा देते। मैंने समाज के लिए काम किया, उसके लिए काम कर दिया, लेकिन वो सिर्फ बाद में वो अपने रंग में सब लोग इसी में आ जाते हैं, कोई चेंज नहीं होता है बहुत कुछ। तो फिर अपने पॉलिटिकली अपना ही घर अपना ही परिवार अपना वो सब कुछ आज जनता के लिए थोड़ा बहुत दिखाने के लिए जो है वो दिखाते हैं बस, उसके जहाँ तक मेरा मैं नहीं देखता हूँ। कोई भी आदमी अच्छा हो काम जब काम करे हो थोड़े दिन काम करने का दिखाने का नए नए में दिखा देते हैं। थोड़ा एज यूजल चल रहे हैं, वैसे कट रहे हैं, वैसे काट रहे, लोग को मालूम है क्या करना है। आई कुछ भी हो जाए वोट तो देना है, वो जब मान कहीं कहीं जाके किसी को लेके आता चल भैया ये नहीं किए सबकी उम्मीदवार वो ऐसा लगना चाहिए इन्हें कुछ काम करे जो अपने सोसाइटी के लिए अपने देश के लिए सबके लिए। ऐसा नहीं है कि जो घास वास आदि जो चलता रहता है ये सब तो बदलो यार, अभी इतना दिन हो गए, इतने साल हो गए, चीज दे देंगे राम धराम धराम मेरा आदमी बहुत ऐसा लगता है। इसमें तो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आप उसको डेवलपमेंट की तरफ ले जाओ, ये मेरा। और उसी लोग को देखो कि ये भी नहीं जान पाता आदमी की कैसा आदमी, सबको अच्छे ही दिखते हैं, अपना टाइप में जो लगता है वो मेरा पार्टी का तो आदमी अच्छा ही लगता है, वोट दे देता है। लीडर से भी मेरा बोलना है कि नहीं यार अभी चेंज करो, थोड़ा सा सब करके काम करो, मजा आएगा काम करने में, वो सब लोग भी खुश रहेगा, पब्लिक भी खुश रहेगा। बकवास चीजें ये सब साला 3000 दे के क्या पेट भरता है उनसे, 3000 में तो एक किस्म जाके एक हफ्ते का राशन नहीं होता, एक हफ्ते में जाके सब्जी खरीद ले जाओ 1000 रुपए तो ऐसे रखा हो तो उनसे बड़े चीजें देने से 3000 में आगे खुश हो जाओ मेरे को वोट दो, वोट देने से नहीं होगा, वो पैसे देने से वोट चाहिए, वो माहौल नहीं है ना। अब वो आएगा वो बोले मैं 6000, अरे 6000 दे के करोगे क्या यार, जो भी है जो अभी स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल सब गवर्नमेंट वाली सब बंद होते जा रही है, कुछ बेचारे गरीब लोगों को क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से रखता हूँ, लेकिन जहाँ सब्जी लेने जाते हैं तो देखता हूँ कि बापरे बाप वही नहीं कर पा रहा हूँ, अरे बेचारे गरीब लोग कैसे कर। तो ये सब चीजों में ध्यान दो, अभी ये करो अपना करोड़ों जमाओ और अपने घर में बनो, ये सब चीजें ढूंढो भाई, खाने लेके खाओ यार, वो कोई मतलब नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सर्जन करते हैं अपने परिवार के लिए, खाने की भी एक रीत है, थोड़ी रोक हद होती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव करो। लीडर लोगों को भी बोल रहा हूँ अपने आप को बदलो, तुम लोग बदलो तो ये सब चीजें करो, गरीबों के लिए स्कूले लोग तो फीस नहीं भर पाते, मैं अब जाता अपने बच्चों को फीस भरने जाता हूँ, कई लोग आते मैडम मैं अगले अगले हफ्ते भेजूंगा अगले महीने नहीं रहता बेचारों के पास, कहाँ से लाएंगे, हमने स्कूल में पढ़ाना भी उनको अभी बड़ा मुश्किल हो गया है, गरीब लोगों को एक बात उनसे वो फैसिलिटी दो ताकि सब जन खुश रहे और ये रहे। हर जनता जो वोट दे रही है वोट देने से वो एमएलए से यही उम्मीद करती है कि अगर कल को हमारे कुछ प्रॉब्लम होता है, अभी हम एमएलए के पास जाते हैं तो हमारा काम होना चाहिए, काम नहीं हुआ तो कम से कम
कन्विंस करना चाहिए उसे कि हम आपको ऐसा नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं, ऐसा करना है। तो यहाँ तो मुलाकात ही नहीं होती लोगों से, आदमी इसीलिए छिड़ा रहता है एमएलए से कि ये वोट मांगने तो आते हैं दरवाजे तक, और जब हम इनसे मिलने जाते हैं तो ये मिलने भी नहीं देते, इनका पीए है ये है वहीं से टपका देते। तो कम से कम ये तो हो, आम मजमे में तो रहो, कभी तो महीने में एक दिन ऐसा रखो जो लोगों से मिल सको, लोग अपने प्रॉब्लम आपको बता सके, आप उसका सजेशन करें। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं एमएलए के पास में अपने कुछ प्रॉब्लम लेके गया था, मेरा अपना खुद का नहीं था लेकिन मेरी बस्ती का था, लेकिन उन्होंने वहां से स्टेज से बोला कि भाई हम तो ये काम ऐसा है कि हम 5 मिनट के लिए आपको बोलते वोट देने के लिए, आप वोट नहीं देते तो हम आपका काम क्यों करें। तो ये एमएलए की ये ना हो, ये सोच ना हो। आमदार के रूप में जैसा ये पश्चिम एरिया है, यहाँ से आप उत्तर नागपुर में रहते हैं? मैं उत्तर में। उत्तर नागपुर में आप किसका आमदार के रूप में? कैंडिडेट चल रहा है मेन पार्टी से, एक नितिन राउत और डॉक्टर दिलीप पांडे। नितिन राउत साहब तो ऐसा है कि अप्रोक्सीमेटली 20 साल से वो एमएलए है हमारे यहाँ, तो कुछ चेंज भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। अगर नितिन राउत साहब ने अगर अच्छा काम किया है तो पब्लिक एक बार फिर उनको मौका देगी। सर आपका कुछ कहना? पश्चिम नागपुर से आप हो, आप किसको वोट करने वाले हो? जैसे अपक्ष के रूप में देखा जाए तो धिक्कार साहब यहाँ से उन्होंने दावेदारी की है, इनके बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम नागपुर जिले, नागपुर से जो भी एमएलए चुन के आता है उनका तो सबसे मेन ये है कि नागपुर के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, और नागपुर में जितने प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आज किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ तुम्हारे काम नहीं होते, काम करने के लिए सबसे ज्यादा परेशानी आम नागरिक को होती है, ये आम नागरिक की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट हो और जनता की जो बात है वो सुनने वाला हो, लोगों से मिलने वाला हो। अब यहाँ तो अगर कोई एमएलए बनता है तो उससे मिलना ही मुश्किल है, तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा एमएलए हो जो लोगों की सुने और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये छोटे मोटे काम जो है, सड़क बन गई, रोड बन गई, वो गली बन गई, नाली बन गई, वो तो बात की बात है, बाकी के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। सबसे पहला तो आपके क्वेश्चन से मुझे वोटिंग के लिए आपका क्या रुझान? तो वोटिंग जो है हमारा सबसे बड़ा एक संवैधानिक अधिकार है, इसका हमको सभी को यूज करना चाहिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते सभी को वोटिंग करना मेरे हिसाब से तो कंपलसरी होना चाहिए। इसके अगेंस्ट में अगर कोई नहीं करता तो उसके ऊपर में फाइन का भी प्रोविजन होना चाहिए। दूसरी चीज भाई, आप वोट किसको करोगे? आपका एक क्वेश्चन था, वोट ऐसा है कि एक कैंडिडेट अपना जो है, कैंडिडेट की क्या अप्रोच है, क्या एजुकेशन है, वो आपके विकास के बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं करता है, आपके एरिया के लिए क्या कर सकता है, आपकी गवर्नमेंट अगर सिलेक्ट होकर आती तो वो आप एरिया के लिए क्या वर्क कर सकता है, ये सारी चीजें देखते हुए ना पड़े अपना सही उम्मीदवार चुनके सही सरकार बनाए जो सभी के लिए काम करे और ये फालतू के जातिवाद में ना बढ़े। सिंगापुर में जनता किसको समर्थन करने वाले, आप किसको वोट देने वाले? वैसे अभी जो इस पश्चिम नागपुर में जो अभी हवा चल रही है, एक तो ठाकरे की चल रही है और दूसरे जो विस्कार है उसकी चल रही है, बट आई होप कि शायद ठाकरे पार्टी ले जाए, क्योंकि काफी बड़ा सपोर्ट है हर चीज में, वो लोगों को काम करके दिखाया है उसने, तो लोग ज्यादातर फेवर ठाकरे का कर रहे हैं। ऐसा है कि जिसकार साहब अभी अभी फील्ड में आए हैं, ठाकरे साहब काफी पहले से है, जिसकार साहब ने भी 2 महीने में थोड़ा बहुत काम किया है, किसी का किया है किसी का नहीं किया है, तो इसलिए अभी उनके लिए हम कुछ बता नहीं सकते कि वो आगे चल के लोगों के लिए क्या काम करेंगे या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट विकास ठाकरे कैसा है कि काफी सालों से यहाँ वो है और राजनीति में भी आए हैं, उन्होंने आपका लोकसभा इलेक्शन में भी खड़े हुए थे तो काफी अच्छा उन्होंने ये दिखाया था अपना, लोगों के काम करके दिए, तो उम्मीद ज्यादा ठाकरे जी की। आमदार तो वो लेकिन चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, आम पार्टी का हो, जो किसी का भी हो, वो ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए।
आज हम किसी को चुन के देते हैं, चुन के आने के बाद तो कोई किसी की खबर ही नहीं आने लेते यहाँ पर कि भाई हमारे उम्मीदवार कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज ऐसी होनी चाहिए और ये चीज छात्र में हमने देखा है, वो लोगों को बुलाते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और वो काम को अंजाम देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा उसकी चांस है। नहीं भी वोटिंग तो है भारत के जन्म सिद्ध अधिकार है, हर नागरिक को वो करना चाहिए और सही कैंडिडेट को चुन के देना चाहिए। आजकल वोटिंग में हो क्या रहा है कि लोग बस दिखाते कुछ और करते कुछ। तो भाई मेरा कहने का मकसद यही है कि भाई जो काम कर रहा है, जो आपको साथ दे रहा है, साफ सुथरा है, आप उसको उस शख्स को आगे लेके चलिए जो आपको आपके कामों में प्रगति करके दे, आपकी उन्नति करके दे। हमारी उन्नति तो देश की उन्नति। जनता को वोट देने के लिए भी यही है कि नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है इसमें, बट मेरा हिसाब से कांग्रेस को वोट देना चाहिए। यहाँ पे तो मुझे यहाँ ये एरिया का नहीं हूँ मैं, फ्रेंड्स कॉलोनी का हूँ, तो यहाँ पे तो मुझे पता नहीं, लेकिन है थोड़ा बहुत सुनता भी है, कुछ दिखता है उनका। 20 तारीख को मतगणना है, तो आप किसको वोट करने वाले हैं? वोट तो गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा। और मैं जो विकास करेगा उसी को मेरा वोट जाएगा। तभी तो इतना देश में आप देख रहे होंगे कि महंगाई वगैरह इतना बढ़ गया है, सब हर तरफ बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, और युवाओं को सब ये लोग ये देंगे वो देंगे, मुफ्त देंगे, सब लाडली बहना है, ये लोग देते तो वो भी देते हैं, लेकिन कोई जो विजन है प्रॉपरली एजुकेशन है कोई बात ही नहीं करता है। एजुकेशन के पे 2% खर्चा होता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा खर्चा होना चाहिए, डिफेंस पे खर्चा होना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ अनाज दो या फिर पैसे बांटो, यही सब शुरू है, लेकिन जनता होशियार हो गई है, अब सही आदमी को चुन के देना चाहिए। उनका जो विजन है वो थोड़ा अच्छा है, पिछले 5 साल में उनका काम है, उन्होंने काम किया है, पर्सनली भी मेरा भी हमारा भी कुछ काम था, तो वो भी क्या है, जो कोई भी जाता है उनके पास में तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत से काम किए हैं, रोड वगैरह है या बाकी जो भी चीजें हैं, तो उन्होंने काम किया है। उनकर साहब के बारे में, वो पहले से कांग्रेस पार्टी में थे, शायद कुछ मेरे ख्याल से उनका प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए वो निर्दलीय उम्मीदवार है। अब लोगों की चॉइस है, लोग किसे चुन के देते हैं, लेकिन जिसका काम अच्छा होगा उनको चुन के देना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली मत है। मेरे नजर में आमदार वो ऐसा होना चाहिए जो सबके सेवा में तत्पर आना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, नहीं तो फिर आमदार लोग ऐसे हैं कि भाई आमदार ये लोगों से चुन के आते हैं और जब एक बार चुन के आ गए तो वो फिर अपना चेहरा भी दिखाते नहीं है, फिर लोग उनके पीछे घूमते हैं। तो आमदार ऐसा होना चाहिए जो तत्पर रहना चाहिए हमेशा के लिए, जो जो समस्या है वो समस्या उन्होंने सॉल्व किया। कैसा है कि जनता जो मिडिल क्लास जनता है, वो जो मिडिल क्लास जनता है अपना टैक्स पे करती है, और जो जो नीचे वर्ग की जो जनता आती है, मेरा कहने का मतलब है कि भाई उनको 1500 रुपए दे दे तो बहुत हो गया है, या फिर अनाज या फिर उनको जो थोड़े बहुत सुविधा दे दिए, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई सरकार आनी चाहिए। लेकिन बात ऐसी कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे एजुकेटेड होंगे उसको समझेगा उनका विजन अच्छा रहेगा, बच्चे पढ़ने को होना मेरा पर्सनली मत है उनके लिए। जो गवर्नमेंट स्कूल है स्कूल के हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना होना, गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति अभी थोड़ी बहुत खराब है, वो स्थिति सुधारनी होना, शिक्षक अच्छे हैं लेकिन उनको वोटिंग करने के लिए यही है कि जो सरकार 5 साल तो सरकार जो भी आती है वो अपना विजन देती है, लेकिन सरकार ऐसी चुनो की जो सबका विकास करे और सब में सहकारी करे, सब यहाँ पे सेकुलर है, सब जाति धर्म के लोग, सबको चलते चलने को ना, या हिंदू मुस्लिम यही बातें नहीं करने को, वो मुसलमान है ये हिंदू ये क्रिश्चन है, सभी अपने देश में सभी सेकुलर सब चलने को ना, इसी सरकार लेकर चलने वाला हूँ, सबकी समस्या एक समस्या का समाधान करने वाला चाहिए। 20 तारीख को विधानसभा इलेक्शन है, वोटिंग का फाइनल डेज है, और आप किसको वोट करने वाले हो? हम तो अभी तक बीजेपी को करते आ रहे हैं, और बीजेपी जो काम कर रही है वो तो अच्छा ही कर रही है फिलहाल, अब देखते 2 दिन में क्या चेंज होता है। तो वो सीट अगर उसको समझ लो अच्छी वाली मिल गई रहती, जैसे कांग्रेस की वगैरह मिल गई रहती, कांग्रेस या बीजेपी की, तो वो सीट श्योर निकल गई रहती। जिसका साहब के वो चुनाव चिन्ह चेंज होने की वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा।
20 तारीख को आने वाले चुनाव में आपको जो पार्टी अच्छी लगती है उनको वोट कीजिए, जो अपने ऊपर लेकर चल सकते समाधान कार्य यहाँ कुछ भी नहीं रहे, यहाँ कार्य करने का उनको अवसर ही नहीं मिला तो कार्य विकास का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ उनको अवसर मिलता तो कार्य कर सकते, उनका कंपनी के वो अच्छे मालिक है, बिल्डर है, लेकिन यहाँ विकास से उनका कोई एक रुपए का भी कोई ताल्लुक नहीं। अभी तक उन्हें क्या कार्य नजर आया है कि उन्होंने ये पश्चिम नागपुर में एक जनता के लिए क्या काम किया है? शिविर वगैरह लगाई उन्होंने और शिविर वगैरह लगा करके उन्होंने अपना लोगों को नेतृदान वगैरह का ये अवसर दिया है और ये सब करने के लिए उन्होंने दो तीन कार्यक्रम दिए, कुछ लोगों को रोजगार गारंटी नाम की चीजें लगाई, बच्चे लोगों के लिए उसके भी शिविर लगाए, अब उसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला उसका तो मैं ये अंदाजा नहीं बता पाऊंगा। नाउ एट दिस टाइम ही इज नॉट लाइबल टू एमएलए। आज 20 तारीख को कुछ ही दिन बचे हैं मतदान को, तो आप किसको समर्थन देने वाले हो, किसको वोट करने वाले? श्री लाठी की जनता विकास भाव ठाकरे के साथ, विकास भाव ठाकरे का नाम रहा है, विकास नहीं भूलता, विकास का विकास सही गली गली में अगर हम जाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सही मायने में उन्होंने जो समय मिला उनको उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। तो मैं भी चाहता हूँ और नागपुर की जनता भी चाहती है कि दोबारा उनको ये अवसर मिले और अच्छी तरह से पश्चिम क्षेत्र का वो विकास करके लाए। लेकिन सरकार के लायक ही है उनसे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस क्षेत्र में एक पार्टी के अच्छे सच्चे कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी के सही उम्मीदवार को समर्थन देना चाहिए था, ऐसा न करते हुए पार्टी से बगावत करके वो आज मैदान में उतरे, तो हो सकता है उनकी कोई दुश्मनी होगी, वो वहां तक ठीक है, लेकिन इतना बड़ा कदम नरेंद्र जी का सामने नहीं उठा रहा है, क्योंकि हम आज के समय में इस देश की ओर जा रहा है, उस देश सत्ता का परिवर्तन बहुत आवश्यक है और ऐसे समय में जिसका सामने उठाया हुआ कदम ये पश्चिम नागपुर की एक मौका साबित। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कोई अवसर नहीं मिला ना इनका कोई काम है पश्चिम नागपुर में, क्या नागपुर में ही कोई काम नहीं इसका साहब का, तो उनका काम करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए उनकी यहाँ पर कोई दावेदारी किसी भी तरह से नजर नहीं आ रही। सिर्फ इतना है कि समीकरण बिगाड़ने का, संतुलन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इतना ही कहना। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करूंगा कि महाराष्ट्र में आज के तारीख में सत्ता का परिवर्तन बहुत आवश्यक और सभी लोग सत्ता परिवर्तन के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सत्ता का परिवर्तन होकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। साहब को ये बोलना चाहिए कि लिखे पड़े हैं और एजुकेशन के मामले में वो विकास कर सकते हैं और बस क्या बोले अब, पर हम देख रहे हैं अभी कोई चुनाव आ रहे हैं इसलिए सब आ रहे हैं दिख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सब जीत के आए जो भी आए वो कम से कम 5 साल आपको दिखे और कुछ काम करते हैं दिखे हमारे सामने। मैसेज यही है कि मैं चाहूंगा जनता से कि जो आपको दिख रहा है, जो अच्छा काम करते दिख रहा है उसको आप वोट दें और उसका जिता चलाए। मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको धन्यवाद। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, 23 तारीख को रिजल्ट आपको दिख जाएगा और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को काफी लोगों का समर्थन है क्योंकि महायुति सरकार की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, बेरोजगारी और भी बहुत सारी चीजें जो आपके सामने आई है वो तो सब जनता जानती है। रही बात वेस्ट नागपुर की, तो वेस्ट नागपुर में कांग्रेस का ही माहौल है और कांग्रेस जीत के आ रही है। आज विकास भाव ठाकरे का काफी मेहनत है, विकास भाव ठाकरे ने बहुत सारा वर्क किया है यहाँ पे, प्रभाग 10, प्रभाग 11, प्रभाग 12 और भी बहुत सारे प्रभाग है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रोड है, गट्टू है, रोजगारी के मुद्दे है, एनएमसी के काम है, एनआईटी के काम है, किसी गरीब को कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके अंदर ये सब चीजें उन्होंने कराते हैं।
उसके बाद के महाविकास अघाड़ी में आज जो रोड शो था प्रियंका गांधी जी का, तो कम से कम 25,000 से 40,000 लोग यहाँ पे मौजूद थे 12 बजे से, और उनका वेट करते करते 3 बजे वो आई मैडम, और उनके साथ उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, रोड शो किया, काफी हैप्पी रहा माहौल, काफी एक अच्छा मैसेज किया विदर्भ में कांग्रेस की तरफ से। और विकास भाव का कार्यकाल अच्छा है, विकास भाव जीत के आ रही 20 तारीख को। मैं भी लोगों से सबसे विनती करता हूँ कि कांग्रेस को वोट दिए, पंजे को वोट दे, जो पार्टी सेकुलर है, जो पार्टी अपना साथ देती है उसके साथ है कंधे से कंधे लड़ा के, और उसका साथ देना चाहिए। देखिए संविधान में तो सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, कोई किसी को रोक नहीं सकता, सबको अपना ताकत आजमाना है। जैसे कि आपने बात की है और भी अपक्ष उम्मीदवारों का, हर कोई अपने अपने इलेक्शन में अपने अपने प्रचार में रोड रैली में सभा में लगा हुआ है, पर मैं जहां तक देखता हूं, मैं जितना सर्वे कर रहा हूं 10 दिन से, जनता का रुझान पंचे की तरफ है, जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ से, और सर्वे भी यही बता रहा है कि विकास भाव ठाकरे वेस्ट नागपुर से जीत रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि नागपुर में 6 सीटों में से हम 4 सीट में तो कन्फर्म आ रहे हैं, एक सेंट्रल नागपुर, दूसरा नॉर्थ नागपुर, तीसरा वेस्ट नागपुर, चौथा दक्षिण नागपुर। और रही बात हमारी 2 सीटों की, दक्षिण पश्चिम और पूर्व नागपुर, वहां हमारी बहुत जबरदस्त फाइट है, वहां पे हम इलेक्शन हार रहे नहीं है, बट वहां हमारी बहुत जबरदस्त फाइट है। 20 तारीख को मतदान होने वाला है, तो जनता को आप क्या अपील करना चाहोगे? मेरी जनता से यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए अपने घर से निकले, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए। लास्ट टाइम हमारा वोटिंग परसेंट 54-68 पॉइंट था, अभी कम से कम 80% लोग वोट देने के लिए बाहर आए, थोड़ा तकलीफ उठा के और वोटिंग देके, वोट एक अधिकार है संविधान में लिखा है, तो वो सब चीजों का एक शांतिपूर्वक काम बना के अपना एक मैसेज नागपुर से विदर्भ में जाना चाहिए।